आप किसी से दोस्ती करें वो दोस्ती में धोखा दे तो ये फर्स्ट हैंड लेसन हो जाता है कि यूं ही किसी पर विश्वास ना कर लो यूं ही अपना दिल यहां मोहम्मत लगाते फिर एक मैं गाया करती हूं ना एक को यार न सजदा कर बैठे थां था, था सिर चुकाया नहीं जानता पर जब आप अपना दिल जगह जगह लगाओगे तो फिर मुश्किल हो जाती है जिंदगी में मिले हुए उस दुख को एक एक्सपीरियंस की तरह लेके उसे शिक्षा अगर हम लेके जागृत हो जाते हैं तब निश्चित रूप से जिंदगी थोड़ा और आगे बढ़ जाएगी नहीं तो जिंदगी रुक जाती है और तुम जितना याद करोगे उनको जो बिछड़ गए हैं तुम्हारा मन उतना ज्यादा दुखी होगा जितना ज्यादा मन दुखी होगा उतना तुम्हारे लिए ये वर्तमान का वक्त जीना और मुश्किल हो जाएगा दोस्तों से दिल लगा के या काम में दिल लगा के आप कितनी देर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बेहतर यह होगा कि जिस दुख से भागना चाह रहे हो उस दुख से भागो नहीं उस दुख से जागो भागना उसका समाधान नहीं है ना यादों से ना सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए लेकिन उनसे समझ करके एक जागृति को लाना चाहिए तो वो जागृति के लिए यह आवश्यक है कि वो हर क्षण जिसमें आपने अपनी माँ को बीमार देखा या मरते हुए देखा या उनकी अंतिम यात्रा देखी या उनको जलते हुए चिता में देखा उसको भुलाने की जरूरत नहीं है उसको याद रखिए क्योंकि जितना उसको याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं मन में ये विचार कौन देगा कि जैसे उनके साथ हुआ वही एक दिन अपने साथ भी तो होने वाला है। तो क्या मैं अपनी जिंदगी इस लिहाज से जी रही हूं जिसमें मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है या नहीं होता है जीवन का उद्देश्य है भी क्या पहले इस पर इसके ऊपर भी विचार होना चाहिए शादी मकान बच्चे नौकरी ठिकमाक तुम ये सब डब्बे कर चुकी हो और उसका भी अनुभव तुम ले चुके हो कड़वे अनुभव रहे पर कड़वे अनुभव का मतलब यह नहीं कि तुम अपना मन कड़वा रखो कड़वे अनुभव कुछ सिखा के गए अगर वो कड़वे अनुभव आपकी जिंदगी में नहीं आते ता आप इतनी समझदार न होती जितनी आज आप हैं किसी ने कहा अरे मेरे साथ उसने विश्वासघात कर दिया अरे विश्वास घात होता ही तब जब आप अपना विश्वास उसको देते हो आप नहीं देते तो घात नहीं होता विश्वास और घात तो विश्वास दिया कहा अभी एक चोर को आपने अपना पर्स दे दिया कि भैया जरा ख्याल रखना मैं आई सोचो ना ट्रेन में बस में आपने एक चोर को दे दिया अपना सामान जरा नजर रखना इस पर रखेगा तो सही नजर फिर तुम्हारा सामान तुम्ही को नजर नहीं आएगा अब आपने कहा ना नजर किसको कह रहे हो नजर रखने के लिए वह इसीलिए स्टेशन पे एयरपोर्ट पे समय ऐसा कलजुग का चल रहा है कि सरकार की तरफ से बोर्ड लगे रहते हैं कि किसी अनजान व्यक्ति को अपना सामान न दीजिए और किसी अनजान व्यक्ति से अपना उसका सामान ना लीजिए मालूम नहीं उसमें बम हो सकता कैसा समय है ना तो आप विश्वास देते हैं तो विश्वासघात होता मैं ये नहीं कह रही सब पे विश्वास करो पर मैं ये कहती हूं कि आंख खोल के जियो दोस्त मिलेंगे दोस्ती करिए दोस्त बेईमान निकले तो हंसना मालूम ही था यही करेंगे दोस्त मिले जरूर बनाओ पर आंख खुली रखो रखनी ही चाहिए तो जिंदगी तो बेटा नाम ही इन अनुभवों का है अच्छे बुरे खट्टे मीठे कड़वे रसीले ये सब अनुभव इस जिंदगी का हिस्सा है तो आप सौम्य मैं चाहूंगी कि तुम हमारी भगवत गीता शुरू करो दूसरे अध्याय से रोज के पांच श्लोक अगर पांच का समय ना मिले तो दो श्लोक क्योंकि विस्तार से समझाया है तो कई बार विषय थोड़ा लंबा चल जाता है पर दो या पांच कुछ भी एक नियम बना लो कि आपने ये गीता के साथ अपनी ज्ञान की दोस्ती बनानी बनानी है और देखिए हमारे श्री कृष्ण इतने रसीले इतने मत वाले इतने बांकुरे हैं जब उनसे दोस्ती बन जाएगी ना तो उनका रस तुम्हारे जीवन में उस आनंद घन कृष्ण का आनंद तुम्हारे जीवन में उस रसिया का रस तुम्हारे जीवन में तो वहां आंसू और आहू को जगह कहाँ बचेगी फिर तो जिंदगी को गीता से भर लो ये मत देखो खाली हो गई अंधेरा हो गया अपना कोई नहीं रहा यहाँ अपना तो वैसे भी कोई नहीं आ, मैं अभी जब पुणे से वापिस आ रही थी तो मेरे आदत है विंडो सीट मुझे पसंद है और चूंकि बहुत लास्ट मोमेंट में टिकट्स हुए थे तो विंडो सीट नहीं मिली खैर मैं तो मीनू सीट पे बैठ गई मैं जब कोई आएगा तो देखेंगे मैं और ऐश्वर्या हम बैठे हुए थे तो जिसकी सीट थी वो आए सज्जन उन्हें जैसे मेरी शक्ल देखी तो कहते हैं नहीं नहीं आप बैठो और वो साथ वाली सीट में बैठ गए तो मुझे वो थोड़ी देर में कहते हैं कहते आप वही हो ना जिनका बिलबोर्ड पे बड़ा बिलबोर्ड पे चेहरा लगा हुआ है हाँ भाई बदनाम तो हम ही हैं हमारा ही चेहरा है कहते मैं यूं तो आपको टीवी से पहचानता हूं काफ़ी टाइम से आप तो टीवी में मुझे दिखी नहीं और फिर जब पुणे में आपका बोर्ड पर चेहरा देखा तो मुझे अच्छा लगा पर यह नहीं मालूम था कि मेरे को आपके साथ ही बैठने का अवसर मिलेगा मैंने कहा भाई तुम अपनी सीट हमको दिए हो तो फिर हमसे भी कुछ ले लो तो उससे कुछ चर्चा चलती रही वो बड़ा खुश कह रहे थे कि मेरी ये यादगार फ्लाइट हो गई है आ, कहते अगर कोई और होता तो मैं नहीं अपनी सीट किसी को देता बोले मैं नहीं सीट से अक्सर और मेरे सामने में देख रही थी लेफ्ट राइट कई लोगों ने कहा कि आप बदल लो सीट कोई किसी से कह रहा है तो वो कह रहे सॉरी आई वॉन्ट चेंज द सीट तो मुझे लगा भैया जमाना को रहा है पता है नहीं ये बंदा कौन है जिसकी सीट है अब वो आए तो वो दूर से देख लिया मुझे और ऑफ uh, कोर्स उनको पता था कि ये उनका नंबर है सीट नंबर है वो कहते नहीं नहीं आप बैठिए आप बैठिए जिस सीट के लिए लोग ना कह देते कि हम बदलेंगे नहीं बदल लेते जैसे मेरे साथ उनने बदल ली एक दफे हम दिल्ली उतर गए उसके बाद उस सीट का कोई मतलब है वो विंडो सीट थी कि आयल सीट थी कि बीच वाली सीट थी हाँ कोई मतलब है उसका जब तक यात्रा पूरी नहीं की तब तक सीट का मतलब है यात्रा पूरी हो गई तो फिर उस सीट का कोई मतलब नहीं है इसलिए सौम्य अपने जीवन की यात्रा को अच्छे से पूरी करिए लेफ्ट राइट सीट पर कौन बैठा है कोई मतलब नहीं तो आपका ध्यान आपके जीवन के लक्ष्य पर होना चाहिए और सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है इस मन को समझना ये मन चीज क्या है ये शय क्या है जो इतना दुखिया इतना सुखिया इतने सपने और इतनी भावनाएं और इतनी भटकन जिस मन की वजह से हो रही है उस मन का आर पार जानो और आ, स्वतंत्र होकर के तुम स्वयं से सुख पाने की क्षमता को जागृत कर लो किसी मनुष्य या वस्तु या स्थिति से सुखी होने की कल्पना को छोड़ दो आइए करने की हिम्मत और ताकत और उसकी जो स्ट्रैटेजी होगी वह सब तुम्हें ज्यों ज्यों गीता तुम सुनते पढ़ते जाओगे त्यों त्यों वो तुम्हें चीजें स्पष्ट होने लग जाएंगी साथ ही साथ हमारी ऐप में अमृतवर्षा ऐप आप में आपको मेडिटेशन सेक्शन में ऊर्जा मिल जाएगा तो ऊर्जा सक्रिय ध्यान ये रोज करो ये जो तुम तो मुझे लिख रहे हो ना कि मन तो टिकता नहीं और ये वो सब ये तो सब एक ही बार में ठीक हो जाता है जैसे जब भूख लगे तब भोजन खा लो नहीं लगे मत खाओ ऐसे ही जब अपने मन से परेशानी होने लग जाए मन पागलों की तरह यहां वहां दौड़ने लग जाए तब तो ऊर्जा सक्रिय ध्यान करो करो तो उसमें किया गया कपाल भाती और भाषिका प्राणायाम की जो सीक्वेंसिंग मैंने दी है जब आप उस सीक्वेंस के साथ उसको करते चले जाओगे जो कुछ अंदर गंद मंद भरा हुआ है वो सब बाहर निकल सब रिचन हो जाएगा सब निकल जाएगा बाहर और पीछे मन एकदम हल्का फुल्का हो जाएगा न दुख से घबराओ न मृत्यु से न धोखे से हर चीज को आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए साधन की तरह इस्तेमाल करिए एक बहुत अच्छे मराठा थिएटर के एक आर्टिस्ट उन्होंने एक बार ड्रामा किया जिसमें उनका रावण का था और वो मैंने इतना जबरदस्त उनका एक्टिंग हो रहा था और वो जिस तरह से बोल रहे थे और माँ सीता के हरण करने का सीन था तो जिस तरह से वो बोल रहे थे और जो भी उनके डायलॉग्स थे तो फ्रंट रो में बैठे हुए एक व्यक्ति इतने भावुक हो गए कि उन्होंने जूता उतार के उनको मारा अब सब लोग बड़े हैरान क्योंकि तो रामलीला का मंचन हो रहा है और ऐसे में रावण पे आकर जूता लग रहा है तुम तो एकदम एकदम रुक गया तो उसने वो जूता उठाया और उसने कहा श्रीमान ये मेरे लिए पुरस्कार है क्या आप भूल गए क्या आप एक रामलीला देख रहे हैं और आप भूल गए कि मैं तो एक एक्टर हूं मैं असली रामन नहीं हूं लेकिन आपको मजबूर कर दिया तो आप मेहरबानी करके दूसरा भी फेंक दीजिए तो आप, आपके तो किस काम आएगा ना एक ही जूता तो दूसरा भी दे दो फिर मुझे जिंदगी में रावण जैसे लोग भी मिलेंगे और श्रीराम जैसे लोग भी मिलेंगे आप ये जानिए कि व्यक्ति अपने उन गुणों या अवगुणों की वजह से बुरा या अच्छा व्यवहार करता है लेकिन अगर उस मन को भी उघाड़ करके देखोगे तो नीचे तो आधार में वही चैतन्य ब्रह्म है ना सोई सचिदानंद घन राम है तो वही सचिदानंद और जब हम अपने सचिदानंद स्वरूप को भूल जाते हैं तो हम दूसरे को सचिदानंद कैसे कैसे माने तो पहले तो अपने आप को ही जानने की जरूरत है ना तो अपने अपने साथ अपनी दोस्ती को सही बनाओ अपने मन से अच्छी दोस्ती बनाओ अपने लिए वो सुंदर वक्त बनाओ जिसमें आपका मन शांत है निर्विचार है और उसके लिए ऊर्जा है कीर्तन है नृत्य है नो ये सब करो और खूब करो और बाकी तो देखिए यहां सब कुछ टेम्पररी हम परमानेंट देखना चाहते हैं परमानेंट यहां कुछ है नहीं तो इसलिए जो जब तक है उसे खूब प्रेम करिए पर ये जानते हुए कि ये कच्चा है और टूट जाएगा कबीर जी का बड़ा सुंदर पद है ना साधो ये मुर्दों का गांव पीर मरे पैगंबर मरी है मरी है जिंदा जोगी राजा मरी है परजा मरी है कौन है जो यहां रहेगा पर जब तक है व्यवहार सबके साथ पर प्यार सिर्फ राम के साथ प्यार अगर राम के अलावा कहीं और किया तो फंसे फिर फंसे आप क्योंकि जो खुद अस्थिर है जो खुद मरण धर्मा है वो तुमको अविनाशी सुख नहीं दे सकता अविनाशी सुख तो वही देगा ना जो खुद अविनाशी जिस जिस बंदे का नाम भी अविनाशी अविनाश अभीनास हो वो भी अविनाशी नहीं होता है उसका भी शरीर विनाशी होता है इसलिए संसार को जैसा है वैसा देखना चाहिए और संसार बुरा बिल्कुल नहीं है बहुत सुंदर है बहुत प्यारा है पर जब हम चीजों को पकड़ के रखना चाहते हैं ना वो हमारे हाथ से निकल जाते तब दुख होता है अरे ये क्या हुआ आज बीज है कल वो पौधा है कल वो कली है फिर वो फूल है और फिर फूल मुरझा जाएगा तो मुरझाए फूलों को देख के रोइे मत इस दुनिया के बगीचे में करोड़ों और फूल खिलेंगे क्या रोना रोने के लिए हजार कारण तुम्हारा मन ढूंढ लेगा पर मैं कहती हूं न रोए और शांत होकर के अगर आप चीजों को देखेंगे तो फिर दुख नहीं रहता है घटनाएं घटती हैं अच्छी बुरी घटनाएं फिर भी होंगी लेकिन आपका मन दुखी नहीं होता है आपका मन सुलझ जाता है तो उलझो मत अपने ही मन में उलझो मत बाहर बदलते हुए वक्त और रुख को देख करके परेशान मत हो जो चीज बदल रही है उसको बदल जाने दो जो चीज अपनी है वो तो एक ही है और वो है परमात्मा बाकी सब टाइम पास समझे